हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, जो है केवीएस के फाइनल रिजल्ट के रिलेटेड अपडेट। जो कि आप लोगों का बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैम बताइए कब तक हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, चाहे हम इसमें पीआरटी की बात करें, टीजीटी की बात करें या फिर लाइब्रेरियन पोस्ट की बात करें, क्योंकि इन तीनों के ही तीनों ही पोस्ट के इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुके हैं और रिजल्ट की अब फाइनल रिजल्ट की अब जो है इंतजार वो हो रहा है। तो इसी वीडियो में हम ये सारी चीजें जानेंगे। इसके अलावा भी आपका ये क्वेश्चन था कि इंटरव्यू में मार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया रहता है कि कितने नंबर मिलेंगे। अगर हमारा मान लीजिए 10 मिनट इंटरव्यू चला है या 5 से 7 मिनट के बीच में इंटरव्यू हुआ है या फिर 20-25 मिनट के अप्रोक्स हमारा इंटरव्यू चला, तो कितने मार्क्स मिलने की वहां संभावना होती है, कैसे ये डिसाइड होता है। तो चलिए फिर पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हम रिजल्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले टीजीटी का जो है इंटरव्यू वो हुआ था, फिर लाइब्रेरियन का, और फिर अभी हाल फिलहाल में पीआरटी के इंटरव्यू खत्म हुए हैं। टीजीटी के इंटरव्यू को हुए लगभग 4-5 महीने का समय हो गया है, आई होप इससे ज्यादा ही। लाइब्रेरियन का भी लगभग 3 माह हो चुके हैं और पीआरटी का भी। तो यहाँ पर सबसे पहले अब जो है दिसंबर में ही आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, एक के बाद एक इन तीनों ही पोस्ट के, पहले टीजीटी, फिर लाइब्रेरियन और फिर पीआरटी का। तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि दिसंबर तक, आपके दिसंबर में ही आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आउट हो जाएगा, आपकी मेरिट लग जाएगी। फिर इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो ज्वाइनिंग होने में अभी आपका समय लगेगा। ज्वाइनिंग आपकी 2024 में ही कराई जाएगी, दिसंबर में बिल्कुल नहीं होगा, इतनी भी स्पीड से काम नहीं चलता है केवीएस में। तो 2024 में आप मान के चल सकते हैं फैब तक आपकी, या फैब में ही ज्वाइनिंग जो है वो कराई जाएगी। तीनों ही पोस्ट की यहाँ पर हमने बात करी है, तो दिसंबर में आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। थोड़ा और इंतजार आपको अभी इसके लिए करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मार्क्स का क्या क्राइटेरिया रहता है, ये कैसे डिसाइड होता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपका इंटरव्यू चला है, देखिए 4 केसेस यहाँ पर बन सकते हैं जो हम बात करेंगे प्रीवियस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के आधार पर, कि अगर आपका इंटरव्यू चला है 15 से 20 मिनट या उससे भी ज्यादा, क्योंकि ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका इंटरव्यू 15 से 20 मिनट या 25 मिनट भी चला है, खास करके जिनका मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पहले दूसरे तीसरे नंबर पर इंटरव्यू था, और या फिर कोई कैंडिडेट ज्यादा ही इंटरेस्टेड आ जाता है, तो वहां पर इतना लंबा टाइम भी उनको दिया गया है जिसमें उनसे प्रॉपर डेमो हुआ है और प्रॉपर इंट्रो भी उनसे हुआ है, डेमो से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुए हैं। तो अगर आपका इंटरव्यू इतने समय चला है और आपने प्रॉपर तरीके से आंसर किया है अपने क्वेश्चंस का, तो आप मान करके यहाँ पर चल सकते हैं कि आपके 50 से 60 के बीच में खूब आराम से मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ बहुत बेस्ट इंटरव्यू रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ, जो जो क्वेश्चन मैंने सोचा हुआ था, जैसे कि मैंने तैयारी की हुई थी, उसी तरह से मेरा इंटरव्यू चला है, तो यहाँ पर इसके पूरे पूरे चांसेस है कि आपके 50 से 60 मार्क्स आपके इसमें इंटरव्यू में आए। अब हम बात करेंगे उन वाले कैंडिडेट्स की जिनका यहाँ पर 10 से 15 मिनट के बीच ही इंटरव्यू चला, जिनसे डेमो लिया पर पूरा नहीं सुना, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी, इंट्रोडक्शन से कुछ सवाल पूछे या फिर कोई भी इधर उधर के क्वेश्चन किए और आपने प्रॉपर तरीके से आंसर किया और सामने वाले ने इंटरेस्ट दिखाया आपके बातचीत करने में आपके साथ, साथ ही आपका प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस था, कम्युनिकेशन आपका बढ़िया था, है ना, कॉन्फिडेंस आपका सही था, तो यहाँ पर ऐसे वाले बच्चों को यहाँ पर 40 से 50 के बीच में आराम से मार्क्स मिल जाएंगे इंटरव्यू में, अगर ये सारी चीजें हुई है जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन गलत होने से कोई ज्यादा खास फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, मेनली तो आपका कॉन्फिडेंस ही चेक यहाँ पर किया जाता है और आप कैसे टीचिंग करते हैं वो। अब आ जाते हैं उस वाली कैटेगरी पर जहां पर ज्यादातर बच्चों का यही वाला 5 से 7 मिनट ही इंटरव्यू का टाइम रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स थे और फटाफट से उनको इंटरव्यू लेना था इतने सारे कैंडिडेट्स का, तो उन्होंने यहाँ पर कम से कम टाइम दिया। ये वो वाले कैंडिडेट्स आ जाते हैं जिनको एवरेज मार्क्स मिलेंगे।
एवरेज मार्क्स मिलेंगे। इसमें उन्होंने ना तो कोई खास डेमो आपसे पूछा है ना, डेमो के टॉपिक बोला, लेकिन वहां जाते ही आपको इंट्रोड्यूस करते ही टॉपिक को रोक दिया गया। फिर दो चार क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा आपसे पूछ लिए गए है ना, और आपने अच्छे से उनका आंसर भी किया। आपका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर था, कॉन्फिडेंस था आपके अंदर आपके आंसर को देते समय। तो फिर यहाँ पर एवरेज मार्क्स आप मान करके चलिए 30 से 40 के बीच में आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादातर एवरेज मार्क्स ही दिए जाते हैं इंटरव्यू में, अगर मोटी मोटी चीजें आपने सही करी है ना। जितना आपने किसी क्वेश्चन को ना नहीं बोला, डेमो टीचिंग को आपने जो उन्होंने टॉपिक दिया आपने उसको पढ़ाने की कोशिश की कम से कम, अगर नहीं भी आता है तो है ना, आप ज्यादा फंसे नहीं उनकी बातों में। लेकिन अब आ जाता है उन वाले कैंडिडेट्स की बारी जिनसे ना तो डेमो लिया गया ना ही इंट्रोडक्शन सही से पूछा गया, और साथ ही कुछ अलग ही क्वेश्चंस उनसे किए गए, और वो कैंडिडेट जो सही से आंसर नहीं कर पाए उनको कितने तक मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ आप मान के चल सकते हैं 25 तक आपको मार्क्स, अगर बाकी सब चीजें ठीक थी, मान लीजिए आपने क्वेश्चन के ढंग से आंसर नहीं कर पाए लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस बढ़िया था है ना, आपने बोर्ड एंट्रीज बढ़िया कर दी थी, आपका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एक टीचर वाली थी वो बढ़िया थी, तो यहाँ पर आपको 20-25 मार्क्स उसके भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये भी सही नहीं आपने किया और ना ही ढंग से आंसर दिया, क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं आप कुछ आंसर दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इंटरव्यूअर, तो फिर ये मार्क्स 8, 9, 10 तक भी मिलते हैं कम से कम इतने। अब यहाँ पर आप आसानी से अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितने तक मार्क्स यहाँ पर मिलने की एक जो चांसेस है वो रहते हैं, ठीक है। आप सभी अब इसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को देख पाएंगे, और अब मैंने बता ही दिया है आपको कि बहुत जल्द आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, जितने ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो जाहिर सी बात है पता चलता है कि इंटरव्यूअर आपके बारे में जानने के लिए या आपसे बातचीत करने के लिए क्या है, उत्सुक है ना, वो आपके बारे में और जानना चाहता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से परफॉर्म किया जाता है, या फिर आप कह लीजिए मार्क्स को दिया जाता है। ऐसा ही 2017 में जब वैकेंसी आई थी उसका इंटरव्यू हुआ था, उस समय हुआ था, 2019 में भी, और अब भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कोई भी आपके रिजल्ट से संबंधित अपडेट मिलती है तो आपके साथ जरूर साझा की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।